तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी बज रहे हैं करीब रात के 10:46 हो रहे हैं और अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो अगर ये वीडियो सारा चीज़ यानी कि एडिटिंग वगैरह और शूट वगैरह हो जाने के बाद अगर ये जो वीडियो है ये रात के 12 बजे से पहले अगर पब्लिश हो जाता है चैनल पर तो ये मेरा 2018 का लास्ट वीडियो होगा। और अगर ये वीडियो रात के 12 बजे के बाद अगर पब्लिश होता है तो भाई मेरे तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर 2019। तो भाई इस वीडियो में आपको LED लाइट का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। तो ये जो LED लाइट है इसका यूज़ आप कर सकते हैं यूट्यूब में वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अगर आप यूट्यूब के वीडियोज़ बनाते हो यानी कि आउटडोर अगर वीडियो शूट करते हो तो फिर आपको दिन के टाइम तो रोशनी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रात में आउटडोर शूट करते हो तो उस टाइम आपको एक लाइट की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो लाइट है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और रात के टाइम में आप बड़ा सा सॉफ्ट वर्क तो कैरी नहीं कर सकते, या फिर अगर घर पर ही आप शूट करते हो तो घर पर भी आप अगर घर में अगर आपका ज़्यादा स्पेस नहीं है तो उस टाइम पर आपका जो भी सॉफ्ट वर्क है वो ठीक नहीं रहता है, तो उस टाइम पर आप ये जो लाइट है ये जो LED लाइट है इसका यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इसकी जो लाइटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इस वीडियो में इसी लाइट के बारे में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ ही दिखाऊंगा कि आखिरकार ये जो लाइट है ये आखिरकार हमें कितना लाइटिंग जो है वो दे पाता है। तो भाई अब कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके अंदर में बॉक्स कंटेंट क्या क्या देखने को मिलता है, उसके बाद हम देखेंगे इसका रिव्यू कि ये जो लाइट है ये हमें कितना लाइटिंग जो है वो प्रोवाइड करा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इस बॉक्स में देखने को मिल जाता है ये चार्जर, और इस चार्जर पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्विक चार्ज लिखा गया है, लेकिन यार मैं इसे पहले भी यूज़ कर चुका हूँ तो मैं बता सकता है कि ये जो चार्जर है ये बिल्कुल क्विक चार्ज काम नहीं करता, यानी कि बैटरी जो है उसे चार्ज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और जो भी क्विक चार्ज लिखा गया है ये बिल्कुल काम नहीं करता, तो वो बात मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अब इसको रख देते हैं साइड में। तो चार्जर के बाद हमें देखने को मिलता है ये बैटरी, तो बैटरी आप देख सकते हो 5500 mAh की है, यानी कि ये जो बैटरी इससे आप कंटिन्यूसली कम से कम 1 से 2 घंटे तक तो शूट कर ही सकते हो, तो इसे भी रख देते हैं साइड में। इसके बाद हमें देखने को जाता है ये केबल, तो इस केबल का यूज हम अपने चार्जर को बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए करेंगे, तो इसे फिलहाल रख देते हैं साइड में। तो अब हमें देखने को मिलता है LED लाइट का बॉक्स, तो यहाँ पे हमें करीब 150 के करीब LED लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, ये जो भी LED लाइट है इस पे, तो इसे हम लोग अनबॉक्स करेंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आखिरकार ये जो लाइट है ये हमें कितना जो है वो लाइटिंग दे पाता है अपने वीडियोज के लिए। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। अब ये बॉक्स हो चुका है पूरी तरीके से खाली और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ये जो LED लाइट है, ये LED लाइट देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ लव लेटर तो इन्हें हमें पढ़ना नहीं है, जो भी यूज़र गाइड है इसे हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि LED लाइट में क्या पढ़ के करेंगे यार इसका। और यहाँ हमें 2 फिल्टर देखने को मिल जाता है, एक है येलो फिल्टर और दूसरा है वाइट वाला जो फिल्टर होता है वो फिल्टर है, ताकि जो भी रोशनी है वो आपकी आँख में सीधे ना लगे। और साथ ही हमें ये दिखाना भूल गए, ये है माउंट जिसे हमें कैमरे के ऊपर प्लेस करना होता है या फिर जो भी स्टैंड होता है कैमरे का उसमें भी हम इसे प्लेस कर सकते हैं। तो इसे एक बार अनबॉक्स करके दिखा देते हैं, ये कुछ दिखने में इस तरीके का है, तो भाई प्लास्टिक से भी निकल जाना इस तरीके का। तो भाई अभी की जो लाइटिंग कंडीशन है मेरे रूम का, तो यहाँ पे 2 लाइट जल रहा है मेरे रूम पे और यहाँ पे एक छोटा सा लाइट लगा हुआ है और इधर से मेरा फेस जो है वो काला दिख रहा है, यानी कि इधर से क्रिस गेल और इधर से थोड़ा थोड़ा सचिन लग रहा। तो अब लाइट को LED लाइट जो है हमारा उसे ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इधर का जो क्रिस गेल है वो हट पाता है कि नहीं। हाँ भाई अब आपका आवाज थोड़ा थोड़ा गोरा लग रहा, थोड़ा सा ये लगाया था शायद इसलिए अभी। यार ये तो मजाक कर रहा है यार, बस अभी लाइट ऑन करा हूँ और अब आप लाइटिंग कंडीशन देख सकते हो यानी कि पहले की और अभी की। तो अब मैं इस पर फिल्टर चढ़ाने वाला हूँ, यानी कि इस पर जो फिल्टर दिया गया था मैं उन दोनों फिल्टर को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि अभी जो लाइट है वो किस तरह से चेंज होती है। तो भाई इस LED लाइट के साथ हमें 2 फिल्टर देखने को मिल जाता है, तो ये दोनों फिल्टर का हम यूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि लाइटिंग जो है वो किस तरह से आती है। तो सबसे पहले हम ये जो येलो वाला फिल्टर है इसका यूज़ कर लेते हैं। तो भाई ये सारे जो फिल्टर ये हमें बस इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब LED लाइट ऑन होता है तो वो सीधे हमारे आंखों पे पड़ता है, जिसके कारण हमारी जो आंखें हैं वो थोड़ी छोटी छोटी हो जाती है और दिखने में हम थोड़े चाइनीज जैसे लगने लगते हैं। तो बस उसी के लिए ये फिल्टर हमें दिया जाता है, ताकि इसे हम LED लाइट पर चढ़ा दें उसके बाद हमारी आँखें जो वो सही तरीके से खुली रहे। तो इसे हम चढ़ा देते हैं, अभी हम येलो वाला यूज़ करने वाले हैं और देखेंगे कि हमारी जो लाइट कंडीशन है वो कैसी होती है। तो अभी मेरा फेस जो है वो थोड़ा येलो दिख रहा है इसलिए क्योंकि अभी जो मैं फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ वो येलो वाला फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो तभी की लाइटिंग और अभी की लाइटिंग में आप डिफरेंस देख सकते हो और जज कर सकते हैं कि कौन सा लाइटिंग जो है वो बेटर था। तो अभी इसे रिमूव करते हैं और व्हाइट वाला जो फिल्टर है उसे लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारी जो लाइट है वो किस तरीके से आती है। तो भाई अभी जो मैं फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ वो व्हाइट वाला फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप तीनों टाइम के देख सकते हो कि तीनों टाइम में लाइटिंग जो है वो किस तरीके से आ रही थी, यानी कि जब मैं किसी भी तरीके से फिल्टर यूज़ नहीं कर रहा तो उस टाइम की लाइटिंग कंडीशन ये थी, उसके बाद जब मैं येलो यूज़ कर रहा तो इस तरीके से लाइटिंग आ रही थी, उसके बाद अभी जब मैं व्हाइट वाला यूज़ कर रहा तो अभी कुछ इस तरीके से लाइटिंग आ रही है। तो भाई मुझे लगता है कि ये जो LED लाइट है ये अपने प्राइस को जो है पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो LED लाइट है इसे मैं अमेजोन से परचेस करा हुआ हूँ और मुझे करीब इसका 3000 रुपये पे करना पड़ा, लेकिन ये जो LED लाइट है ये बहुत ही टाइम तक जो है
वो 2500 में बिका था, लेकिन जब मैं इसे परचेस करा तो मुझे ये 3000 रुपये का पड़ा, क्योंकि यार बहुत दिनों से ये 2500 में बिक रहा था, उसके बाद जब मैं इसे परचेस करा तब 3000 का था और स्टॉक में केवल दो ही था, तो मैं इसे एक परचेस कर लिया और शाम तक जो है वो दूसरा स्टॉक भी खत्म हो गया। तो अगर ये अवेलेबल होगा अमेजन पर तो बेस्ट बाय लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप इस लाइट को परचेस कर सकते हो। तो भाई फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना अगर आपको कुछ भी पूछना हो या फिर ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अगर कोई YouTube पे वीडियोस बनाता है तो उनके साथ शेयर कर देना, उनका हेल्प हो जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।